मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वड्डा सियासी वार करके गए ने कि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी नाल दोस्ताना मैच खेड रहे ने। हालांकि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा हुणे हुणे बयान आया सी कि दिल्ली दे विच तीन कानूनां विच इक कानून लागू हो चुके हैं। केजरीवाल ने पलटवार किया पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते केजरीवाल कहिंदे ने कि जदों लोकसभा तो बाद राज्यसभा दे विच इह कानून पास होया ते राष्ट्रपति दे दस्तखत होए तां उस वेले पूरे मुल्क दे विच इस कानून नूं लागू हो चुकिया सी ते ना कोई सूबे दी सरकार इस नूं रोक सकती है ते ना ही केंद्र दी सरकार इस मसले ते विचार कर सकदी क्योंकि कानून तां पूरे मुल्क दे विच लागू होया। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिंदे ने कि केजरीवाल दोगली सियासत खेड रहे ने दिल्ली दे मुख्यमंत्री। आज दिल्ली की सरहद पे पंजाब का किसान है और देश की सरहद पे उसी किसान का बेटा पंजाब का जवान है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवंत सिंह जी दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखबीर सिंह बॉर्डर पे देश के लिए शहीद हो गया। इस सब के बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीतती होगी जिनके किसान मां बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देशभक्त किसानों का साथ दे। मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है, कोई राजनीति नहीं करनी, सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतीय बनके किसानों की सेवा करनी है। राजनीति करने को पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी बस सेवादार बनके सेवा करो। हमें इस इनकलाब का ना राजनीतिकरण करना है और ना इस इनकलाब का राजनीतिकरण होने देना है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों को सभी मांगे किसानों की तुरंत मानी जाएं और MSP की गारंटी को कानून में डाला जाए। जय हिंद।